हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बी सुप्रीम का एक और नया एपिसोड। ये एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमने पिछली बार क्या देखा, लेकिन ये कहानी अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एक इलाइट मिलिट्री यूनिट ने एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव किया प्रोजेक्ट पेगासिस में। ये एक रिसर्च फैसिलिटी थी जहाँ पर स्क्वाड्रन सुप्रीम के ज़ॉम्बी क्लोन्स कैद थे, और उनमें से एक न्यूक वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया रेडियो एक्टिव वेस्ट के जरिए। और जब उस यूनिट को मदद की जरूरत पड़ी, तब एक साइंटिस्ट ने उन्हें बताया एक अननोन एनर्जी सोर्स के बारे में, और उसमें से बाहर निकला हीरो जैक ऑफ हार्ट्स। लेकिन वो सबकी हालत सुधार पाता, इससे पहले ही उसकी हालत पतली हो चुकी थी। हम देखते हैं एक रेडियो एक्टिव सेंटर को जहाँ पर आग लगी हुई थी, और वहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग आकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेयर आकर पूछते है कि क्या हालात है, इस पर एक फायर फाइटर उनसे कहता है अच्छा हुआ आप आ गए। शरीफ को तकलीफ हो रही थी कुछ डिसीजंस लेने में, यहाँ पर रिएक्टर ब्रिज की वजह से आग लग चुकी है। इस पर मेयर उसे बताते हैं अगर तुम पानी से उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो तो दुनिया का सारा पानी खत्म हो जाएगा, और वो अंदर जाने लगते है। लेकिन कैथी उनसे कहती है कि ऐसा मत करो, इस पर वो कहता है अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेयर होने के नाते मुझे ये करना ही होगा। और वो अंदर जाता है सिक्योरिटी रूम में, जहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर उसे वो फुटेज दिखाता है रेडियोएक्टिव ब्रिज के पहले, जहाँ पर न्यूक अर्थ के नीचे से आया और सबको मारने लगा। और वो बताता है कि थोड़ी देर बाद हमें लगा कि वो चला गया, लेकिन जब हमने देखा तब लाशों के साथ वो भी गायब था। जिस पर मेयर कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम स्क्वाड्रन सुप्रीम की तहकीकात करने जाओ, और मैं जाता हूँ प्लांट मैनेजर बेन होम्स के घर। और वो बेन होम्स के घर बाहर अपनी कार खड़ी करके देखता है कि उस घर का दरवाजा खुला था, जिस वजह से वो अपनी गन लेकर अंदर जाता है। और उसका शक तब यकीन में बदलता है जब वो देखता है न्यूक को बेन को खाते हुए। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोजेक्ट पेगासिस में, जहाँ पर जैक ऑफ हार्ट्स को कैप्टन हार्पर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हॉस कहता है ये मोहतरमा अब किसी काम की नहीं रही, ये उठने वाली नहीं है, और हम इन सुपर ज़ॉम्बीज के बीच में फंस चुके हैं। इस पर हार्पर कहती है इस लैब में इंटरलॉकिंग मेंटेनेंस पैसेज है, हम उसका फायदा उठाकर यहाँ से जा सकते हैं, और जाते वक्त हम जैक को भी अपने साथ ले जाएंगे। जिस पर हॉस मना करता है, लेकिन वो कहती है ऑर्डर्स को फॉलो करो सोल्जर। और तब हम देखते हैं पावर प्रिंसेस लगभग वो डोर अनलॉक कर चुकी थी या फिर तोड़कर अंदर जाने वाली थी। तब नाइटहॉक आकर पूछता है कि क्या हालात है, जिस पर वो बताती है उनमें से दो अभी भी अंदर है। और तभी वो एम्फीबियन को ऊपर लूप पर जाने के लिए कहता है, और थोड़ी देर बाद वो कैप्टन अमेरिका की बू को सुनकर कहता है ब्लू ईगल ऊपर एलिवेटर के शाफ्ट की तरफ जाओ, लगता है वहां पर कोई गया है। और तभी गोल्डन आर्चर उससे कहता है नाइट हॉक मेरे पास एक प्लान है, जिस पर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो बताओ। जिस पर वो तीर निकालते हुए कहता है मेरे पास ऐसा प्लान है जो हमें लॉन्ग रेंज टैक्टिकल एडवांटेज देगा, और ये डिफरेंट होगा सभी तरीके से। और तभी हम देखते है बेन के घर में, जहाँ पर टॉम यानी की मेयर न्यूक पर गोली चलाता है, और आधा मारा हुआ बेन ज़ॉम्बी बनने की वजह से टॉम की तरफ बढ़ रहा था उसे खाने के लिए। लेकिन तभी न्यूक अपनी पावर बीम का इस्तेमाल करके उस घर की दीवार तोड़ देता है, जिसमें से मेयर बाहर भाग जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर जा ही रहा था कि तभी अपनी बीम दोबारा फायर करते हुए न्यूक गाड़ी के दो टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर भी मेयर उस गाड़ी में से भाग जाता है। और तब हम देखते हैं प्रोजेक्ट पेगासिस में अपर एरिया में, जहाँ पर सोप बॉक्स को लेकर विजर भाग रहा था। तब अपनी गन रेडी करते हुए वो कहता है जेटा एनर्जी इन्फ्यूज्ड नेगेटिव आयंस काउंटर किए गए हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आइसोमेट्रिक के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तब वो अपनी गन उस पर शूट करता है, जिससे विजर जाकर फैसिलिटी की वॉल से जाकर टकरा जाता है। और तब नीचे गिरा हुआ सॉफ्ट बॉक्स कहता है अगली बार मुझे बताना कि ब्रेक धीरे से लगे। तभी सॉफ्ट बॉक्स को एक मैसेज आता है, जिस पर वो कहता है मेन फ्रेम मुझे कुछ गुड न्यूज दो। तभी हम देखते हैं सिटी में कि अपनी आधी गाड़ी के साथ मेयर खड़े थे, जहाँ पर कैथी उन्हें रिसीव करती है। तब वो कॉल करते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को, जहाँ पर वो बताता है कि ये न्यूक एक एटॉमिक ज़ॉम्बी क्लोन है न्यूक का, जिस पर वो दोनों आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। और तभी उन्हें गाड़ी के सामने देखते हैं कि लगभग सारी सिटी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब गाड़ी से उतरते वक्त वो कहते हैं अगर इस शहर में ह्यूमंस नहीं बचे तो इसका मतलब है कि ये पूरी सिटी हम खो चुके हैं। और तभी एक शेरिफ आकर उन्हें गन देता है, लेकिन तभी न्यूक उन पर हमला करता है और उसकी बीम जाकर लगती है उस कार पर। तब शेरिफ कहता है तुम जैसा मॉन्स्टर मेरी सिटी में आकर मेरी सिटी पोल्यूट नहीं कर सकता,
लेकिन न्यूक अपनी पावर से उसे भी मार देता है। और तभी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर न्यूक से टकरा जाती है, इस वजह से न्यूक का हाथ टूट जाता है। तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी में चढ़कर मेयर और कैथी वहां से जाने लगते हैं। यहां पर प्रोजेक्ट पेगासस में होस उसे उठाते हुए कह रहा था, एक जमाने में ये उड़ सकता था और अब हम इसे उठाए हुए चल रहे हैं। जिस पर कैप्टन हार्पर कहती है कि यही तुम्हारी वॉलंटियरिंग है, तुम अपने एक वॉलंटियर को पीछे छोड़कर आ गए। तभी मेन फ्रेम कैप्टन हार्पर को कॉन्टेक्ट करके कहता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल टॉम अल्ड्रिन रिटायर्ड आपसे बात करना चाहते हैं। तब टॉम अल्ड्रिन यानी कि मेयर कहता है, रिटायर्ड नहीं अनरिटायर्ड, और मैं बात करना चाहता हूँ एटॉमिक अनसब डिसाइनेट न्यूक के बारे में। इस पर वो कहती है, आपने बहुत अच्छा टाइम चुना इस बारे में बात करने के लिए। तभी वो कहता है, ये मजाक करने का वक्त नहीं है कैप्टन हार्पर, हमारे सामने अभी पहाड़ जितनी मुसीबत खड़ी है, क्या तुम मुझे इस पर कोई सजेशन दे सकती हो? जिस पर वो कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए लेफ्टिनेंट कर्नल, अब मैं जो कहने वाली हूँ उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उस पर डिसीजन लेने के लिए। और तभी उस प्रोजेक्ट पेगासस में पावर प्रिंसेस वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और गोल्डन आर्चर अपना तीर निकालकर मारता है हॉस की तरफ और वो सीधा जाकर घुसता है हॉस के गर्दन में। तब हॉस कहता है, उसने मुझे अपने टिट के साथ शूट किया है। तब कैप्टन हार्पर कहती है, हॉस अभी तुम्हें तुम्हारी विश पर डिपेंड करना होगा कि तुम बच सकते हो या नहीं। और तब वो कहती है, लेफ्टिनेंट कर्नल आप जानते हैं आपको क्या करना है, सिर्फ अपना इशारा देने के लिए तैयार रहिए। और तब वो दोनों उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लेडर के सहारे एक छत पर चढ़ते हैं और एक सिग्नल फ्लेयर ब्लो करते हैं और थ्रो करते हैं न्यूक की तरफ। और तब न्यूक समझ नहीं पाता कि ये क्या है और तभी एक बॉम्ब आकर गिरता है उस सिटी के ऊपर और सब कुछ तबाह हो जाता है। और इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।